आप हमारे चैनल ट्यूटोरियल स्पेस को बीटेक बी यूनिवर्सिटी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हिंदी लेक्चर्स एंड नोट्स के लिए सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज हम टॉपिक करेंगे सेमी ग्रुप का, ठीक है जी। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि कोई सेट किसी बुलियन ऑपरेशन के साथ लग कर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाता है, मगर कब? जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेता था, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने मार्क भी किया हुआ कि जिस पर हमने अपने टेस्ट किया था कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लिए थे वो मैंने ग्रीन मार्क कर दिया, बाकी मैंने रेड मार्क कर दिया, ठीक है जी। आज हमारा टारगेट क्या है कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल आता है जिसे हम कहते हैं सेमी ग्रुप का, जिसके अंदर अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन चुका है, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन चुका है वो अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अब हमारा सेमी ग्रुप बन गया है। जैसे कि 12वीं करने के बाद वो बैचलर की डिग्री के लिए जा रहा है, बैचलर में एडमिशन तो मिल गया, बट अब देखेंगे क्या वो पेपर में पास हो पाता है नहीं हो पाता। अगर हो गया तो क्या कहेंगे कि भाई इसने बैचलर डिग्री कर ली है। सेम उसी वे में देखेंगे कि एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अगर ये टास्क पूरा कर गया, ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया तो सेमी ग्रुप बन जाएगा। अब देखिए सेमी ग्रुप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। हालांकि जिस टॉपिक पे हम आ चुके ग्रुप थ्योरी में, अब तक आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पता होगी। उसके अंदर क्या होता है कि कोई हमने सेट लिया नॉन एम्प्टी सेट ए, सेट खाली नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है, विद जिसके साथ हम बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं स्टार। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि कुछ बुक में इसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन को, कुछ इसको ऐसे भी करते हैं, ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है, या कई मैंने कई जगहों पे देखा कुछ ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है, तो एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आता है कि एक सेट ले लिया मैंने ए, जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, मैंने मान लिए एलिमेंट तो बहुत सारे हैं, मैं बेसिकली इस पर टेस्ट कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जिसका मतलब क्या है कि अगर मैंने ये एलिमेंट ऐसे लिखे और इनके बीच में मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, ये बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है जी। अब इन बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद देखिए, अगर मैं पहले ए ऑपरेशन बी को पहले सॉल्व कर लूं, या मैं कहता हूं बी ऑपरेशन सी को पहले सॉल्व कर लूं, तो दोस्तों हमारा रिजल्ट हमेशा सेम ही आना चाहिए, अलग नहीं आना चाहिए। अगर कोई सेट इस ऑपरेशन अपने ऑपरेशन के साथ इस चीज को क्लियर कर गया, इस टास्क को भाई फुलफिल कर गया, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अब सेमी ग्रुप बन गया, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं, नेचुरल नंबर का कंसेप्ट था पहले हमारे पास, इसको पकड़ेंगे। अब देखिए नेचुरल नंबर में मैंने क्या ले लिया, वन ले लिया, साथ में मैंने ऑपरेशन किया मेरा प्लस का दो ले लिया, देन मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसके ऊपर थ्री ले लीजिए, ऐसे ही मैंने क्या ले लिया, इसी को यहाँ पे रख लिया वन प्लस टू प्लस में थ्री। अब देखते हैं कि पहले मुझे क्या सोल्व करना है इस ब्रैकेट को, तो क्या आएगा ये तीन, तीन प्लस तीन छः, देन सेम वन, ये क्या आएगा फाइव, इक्वल टू सिक्स, दोनों तरफ सिक्स आ गया, तो जी ये बिल्कुल कर गया। ऐसी कुछ और एग्जाम्पल, जीरो हम यूज नहीं कर सकते, क्यों, नेचुरल नंबर की रेंज क्या होती है, जीरो से नहीं होती वन से होती है दोस्तों, इसलिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया नेचुरल नंबर, मेरा एक सेमी ग्रुप भी कहलाता है क्योंकि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भाई कर लेता है। अब आगे चलते हैं, नेचुरल नंबर का रह गया मल्टीप्लाई पे, ठीक है, इसको टेस्ट कर लेते हैं। देखिए थ्री, देखिए थ्री गुणा में टू, ठीक है जी, इसको सॉल्व करना पहले, देन गुणा में मेरे पास फाइव ले लीजिए, ऐसी मैं थ्री गुणा में टू गुणा में फाइव ये करना है ना, तो तीन दूनी छः, छः पंजे तीस, इसको टू तीन दूनी दस, दस तीन तीस, क्या हो गया मेरे पास तीस, तीस आ गए। मतलब ये चीज मेरी सेटिस्फाई करती है कहाँ पे, नेचुरल नंबर विद गुणा का ऑपरेशन यानी मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बढ़ाते हैं गाड़ी आगे की तरफ, देखिए जेड का ऑपरेशन करना है प्लस के साथ, तो ये हमारा बनेगा ही बनेगा, क्यों, क्योंकि इसकी रेंज बढ़ जाती है, जब उसको नेचुरल नंबर में प्रॉब्लम नहीं आई तो ये इसमें भी नहीं आएगी, सीधी सी बात, आप चेक कर सकते हैं सेकंड के अंदर। माइनस के लिए चेक करते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर में माइनस का केस तो सीधा सीधा बाहर हो गया था, बट इंटीजर के अंदर ये आ गया था, तो देखते हैं
कि नंबर ले लेते हैं, तीन नंबर लेने हैं, ठीक है जी, नेचुरल नंबर कोई भी। तो पहला नंबर मैं ले लेता हूँ, ए स्क्वायर टू मैंने माइनस फाइव ले लिया, बी स्क्वायर टू फाइव ले लिया, फाइव की फिफ्टी ले लीजिए, और सी स्क्वायर टू टू ले लीजिए, ठीक है। अब इनके ऊपर माइनस का ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो सीधी सी बात है, माइनस फाइव फिफ्टीन और टू इक्वल टू माइनस फाइव फिफ्टीन और टू, मुझे क्या करना है माइनस, ठीक है जी, मुझे क्या करना है, पहले यहाँ पे माइनस और बाहर भी माइनस, यही है ना, और कुछ तो नहीं है। अब देखिए क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस ट्वेंटी, देन बाहर क्या मेरे पास माइनस टू, माइनस टू आ गया, ये कितना हो गया माइनस ट्वेंटी टू, ठीक है जी। आगे बढ़ो, ये माइनस फाइव और ये फिफ्टीन, ये प्लस है और ये है माइनस, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, ये मुझे देंगे थर्टीन, थर्टीन जब बाहर आएगा माइनस फाइव, देन माइनस फाइव इक्वल टू क्या हो गया माइनस में एटीन, बट ये तो भाई केस ही नहीं आ रहा। तो ऐसे आप ट्राई करोगे तो जेड मेरा माइनस के साथ कभी भी इंटीजर माइनस में कभी भी हमारे क्या होते हैं सेमी ग्रुप नहीं बनते, इनकी कहानी भाई यहीं पे खत्म हो गई, मतलब बैचलर डिग्री में ये फेल हो गए, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे केस आता है मल्टीप्लीकेशन का, इसके अंदर कोई भी नंबर ले लीजिए, तीन आप, ठीक है जी, टू ले लिया, माइनस थ्री ले लिया और माइनस सिक्स ले लिया, मैं माइनस का केस जानबूझ के ले रहा हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो वही करना है, टू माइनस थ्री माइनस सिक्स इक्वल टू टू माइनस थ्री माइनस में सिक्स, इन दो के साथ मुझे क्या अप्लाई करना है, गुणा का ऑपरेशन, ठीक है जी, और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है जी, ऐसे अप्लाई करेंगे, इनके बीच में मुझे गुणा अप्लाई करना है, इस तरीके से लिखूंगा मैं अगर सही मैथमेटिकल वे में लिखा जाए। अब देखिए, टू मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री माइनस सिक्स आएगा, साथ में क्या गया माइनस सिक्स, क्या गया प्लस में छत्तीस, यहाँ पे चलिए कि माइनस थ्री और माइनस थ्री क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, गुणा हो गया, और ये क्या आएगा एटीन, ठीक है, एटीन के बाद टू, ये क्या आएगा छत्तीस, तो ये मेरा आंसर आ गया छत्तीस, जो वेरीफाई करता है, मतलब जेड का केस मेरे साथ वेरीफाई कर जाता है जब मैं गुणा लगा दूं, ठीक है जी। अब आगे बढ़ो, जेड प्लस का ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन के साथ, मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, तो दोस्तों ये करेगा ही करेगा, पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं इसके अंदर जीरो भी इंक्लूड हो गया, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू तो आएगी जब प्लस ऑपरेशन करेंगे, जब नंबर ही सारे पॉजिटिव हो तो नेगेटिव वैल्यू आने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो रेंज से मारने बाहर हो रही है, तो ये क्या होंगे मेरे सेटिस्फाई करेंगे। जेड ऑपरेशन प्लस प्लस जेड ऑपरेशन मतलब गुणा के साथ पॉजिटिव इंटीजर विद मल्टीप्लीकेशन, तो ये भी मेरा सेटिस्फाई करेगा, कोई भी नंबर ले लीजिए, जीरो ले लीजिए, साथ में आप वन ले लीजिए, देन इसको मल्टीप्लाई कर लो टू के साथ, क्या आंसर आएगा जीरो, सेम आप जीरो ले लीजिए मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ, वन गुणा टू के साथ, तब भी जीरो ही आएगा, मैंने लीस्ट केस ले लिया, तो ये मेरा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है जी। आगे मूव ऑन करते हैं, अब रियल नंबर की बारी आ गई, अब रियल नंबर में हमें देखना है भाई कि ये करते हैं या नहीं करते, चलिए इसे मैं रब कर देता हूं, वैसे तो सीधी सी बात है, हमें इतने सारे केस डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, कि माइनस का केस हमेशा आउट हो जाएगा, जब वो इसमें सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो रेंज आप बढ़ा दो या जो मर्जी कर दो, क्योंकि हम ये जेड मेरा माइनस के केस में बाहर क्यों हुआ था, रेंज की वजह से नहीं हुआ, वो ऑपरेशन को इस एसोसिएटिविटी को ही फॉलो कर पाया, तो वो यहाँ पे भी नहीं कर पाएगा, तो मैं सीधा का सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, और रियल नंबर और ये मेरे करेंगे ही करेंगे जब ये कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये था कि मेरे नेचुरल नंबर विद प्लस गुणा इंटीजर विद प्लस विद गुणा देन पॉजिटिव इंटीजर विद एडिशन विद पॉजिटिव इंटीजर विद मल्टीप्लीकेशन सेम, ये हमारे प्लस में भी माइनस गुणा में ये सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कंसेप्ट क्या हो गया, बिल्कुल ओके हो गया कि ये चीजें मेरी क्या होंगी सेमी ग्रुप, ठीक है जी, क्यों, क्योंकि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई कर ली। नेक्स्ट टारगेट आता है मोनाइड का, कि सेमी ग्रुप जो बन चुके हैं बैचलर डिग्री कर ली है तो समझो कि अब उन्हें मास्टर डिग्री करनी है, ठीक है जी। तो देखते हैं कि मास्टर डिग्री कौन कौन क्लियर कर पाता है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, आइडेंटिटी की, तो ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कंसेप्ट या क्वेश्चन आपके मोनेट से ही ज्यादातर शुरू होते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके प्लीज
शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है, ताकि और ज़्यादा मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल के अंदर सॉल्व पेपर, प्रीवियस पेपर या प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की होगी वो मैंने डाल रखी है। बेसिकली मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी, इसके बाद मुझे कुछ अन्ना यूनिवर्सिटी के पेपर है मेरे पास, पुणे यूनिवर्सिटी के, ठीक है, काफ़ी चीज़ें मैंने डाल रखी है, मुंबई यूनिवर्सिटी के भी है, सॉल्व करूंगा मैं धीरे धीरे, बट मेन है पहले कंसेप्ट समझा लूँ आपको, ठीक है। तो ये करेंगे, इसमें जाना जरूर ताकि आपके पेपर से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, थैंक यू, टेक केयर, बाय।